सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी बाय, हम निकल के जा रहे हैं। हाँ, मैं चश्मा दे रहा भाभी। भाभी बैठो भाई, ना मैं छोड़ दिनू आप। थैंक यू। ओह वाओ, आई एम लुकिंग प्रीटी। हैं हैं, चलो बाहर। हेलो बोलने के बाद में ही थोड़ा लेट हो रहा था दादा को, तो मैं बाइक में बैठ गई थी। दादा और मैं जा रहे हैं आज बहुत जरूरी काम के लिए। एंड हैप्पी तीज टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज। जो लोग भी तीज मनाते हो उनको बहुत बहुत हैप्पी तीज। उसके बाद सब लोग अच्छे से खाओ पियो। आज हम लोग का दर खाना है, मतलब आज हम लोग खाना मायके में आके खाते हैं। एंड कल से हम फास्टिंग रखेंगे, लेकिन आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे एंड दादा को। तो हम लोग जा रहे हैं तेजपुर टाउन। शायद 12-1 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, फिर हम रिटर्न हो जाएंगे। भाभी बना रही है खाना कुछ कुछ, मम्मी एंड भाभी मिलके। वैसे आज थर्सडे है, वेज है। कल भी हम लोग ने चिकन विकन खा लिया था, तो वही अभी हम आधा रास्ते पे हाईवे पे हैं। यहाँ से हम जाएंगे तेजपुर टाउन। हेलो एवरीवन, मेरा हालत टाइट है। सो जो काम के लिए हम आए थे वो काम हो गया है। अभी हम दोनों खा रहे हैं मैगी यहाँ पे, मैं और ये दाढ़िया। आर्यन सा है ना, देखो कैसा है, मस्त। तो एक्चुअली इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा तो हो गया। एंड पूरा चूहा दौड़ रहा है मेरे पेट पे। तो हम लोग ने थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया, ये खाएंगे एंड फटाफट निकल जाएंगे। फिलहाल ज़ोर से भूख लगी है, तो ये मैगी 2 मिनट तो नहीं ना, 5 मिनट का मैगी खा के अभी जाएंगे। और सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग ने थोड़ा खाना पीना मतलब मैगी वैगी खा लिया है, का रेसिपी कर लिया क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, बहुत टायर्ड हो गए थे। ये मैंने भाभी का सनग्लास नहीं, एक्चुअली ग्लास पहना हुआ है। अभी शाम को इतना कीड़ा घुसे गांव में। एंड अभी फाइनली हम लोग निकल के जा रहे हैं मेरे मायके। हाँ, बाइक में ही आए हैं। एक सेकेंड, छोटा सा ब्रेक लिया था, मतलब आते आते एक छोटा सा टाउन हम लोग क्रॉस करते हैं, वहाँ से कुछ कुछ सामान लेना था। तो सबसे पहले हम लोग ने लिया मिठाई घर के लिए, एंड वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई। उसके बाद दादा ने और मैंने खाया पान, मैंने मीठा पान खाया था। उसके बाद हम लोग ने लिया यहाँ पर आइसक्रीम, रियांश ने बोला था लेके आने के लिए। एंड उसके बाद हम निकल गए घर। देखो हम लोग शाम को थोड़ा उजाले में निकले थे, एंड देखते देखते ही पूरा अंधेरा ही हो गया घर पहुँचते पहुँचते। एंड व्यू तो क्या मस्त था भाई। हमको क्यों उठा रहा वीडियो में? हेलो गाइस, इसका वीडियो फॉलो मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना। ये माइके आती है 10 रुपए 5 रुपए में लेंगे। दिस इज नॉट जस्ट 5 रुपए। लहसुन लेके आइए, देखिए लहसुन की पोटी। दिस इज अ मोदर। उसका घर में, उसका घर में हम लोग मधुबन से 20 रुपए वाला लांग लेके आने बोलता है। देखिए हां, खा के तो अच्छा नहीं है। मैं तो नहीं खाएगा अभी। अरे ये काना का है, काना स्वीट्स का है, केआरसी वाला बात करता है। खाओ ना, खाओ ना, खाओ फिर बोलो। अच्छा नहीं, मोटा कभी नहीं खाया। तो यहाँ पे है मेरा दर। थर्सडे है तो प्योर वेज है। ये है नीगुरो का सब्जी, नेपाली फेवरेट। यहाँ पे राइस है, ये बॉइल्ड राइस है, इसलिए आपको थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा होगा। यहाँ पे है खीर जो कि मैंने ही बनाया है। यहाँ पे है आउटेंगा और बूट का सब्जी, नेपाली सब्जी। यहाँ पे है दाल, प्लेन दाल, सिंपल दाल, बच्चे भी खाएंगे। यहाँ पे है पनीर आलू की सब्जी। एंड ये है क्रीम, यहाँ पे ये क्रीम थोड़ा पतला हो गया, क्रीम मतलब अभी फ्रेश फ्रेश आया तो ये जमा नहीं है। एंड यहाँ पे ये मम्मी ने बनाया हुआ घर का घी, लोकल घी। तो यही है आज का मेरा दर। अभी मैं खाऊंगी खाना। मम्मी हाय। हाय। वैसे तो मायका हम जब भी आते हैं हमारा दर ही होता है। ऑब्वियसली हम अभी शादी के बाद जब भी मायका आते हैं तो
खाना स्पेशली खिलाते हैं, बट ये एक रिचुअल है। पहले पहले बेटियाँ ज़्यादा मायके नहीं आ सकते थे, एंड जो हम लोग का कल फास्टिंग है तीज, वो निर्जला रहता है, मतलब विदाउट वाटर हम लोग को लेना होता है, तो थोड़ा एनर्जी मिले, बेटी अच्छे खाए एंड अच्छे से फास्टिंग रख पाए, इसके लिए ही ये रिचुअल था जो कि अभी तक चलता आ रहा है। एंड मैं शादी के बाद एक बार आई थी, एंड उसके बाद मैं, ये मेरा ही शादी के बाद सेकेंड टाइम है 5 ईयर्स में, तो अच्छा होता है। पहले जब इतना बुद्धि नहीं था तो हम नॉनवेज भी खाते थे। वैसे तो आज थर्सडे हो गया, बट थर्सडे नहीं रहने से भी मैं आज के दिन वेज प्रीफर करती हूँ, क्योंकि कल से सुबह से फास्टिंग रहता है, मतलब 8-12 बजे के बाद ही कल अलग दिन लग जाएगा। तो मैं कई सालों से पहले खाती थी चीज़ के पहले दिन चिकन मटन ऐसा, बट अभी नहीं खाती हूँ, वेज ही चलता है, वेज ही बेस्ट है, कल पेट भी अच्छा रहेगा तो फास्टिंग भी अच्छे से रख पाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट अपना खाना ख़त्म करती हूँ, एंड आपको मिलती हूँ मैं कल। ये वीडियो शायद मैं यहीं पे एंड करूँगी, एंड यस हैप्पी तीज टू ऑल माय सिस्टर्स, एंड शायद ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद डालूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मायके आई हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा एडिट करने के लिए, एंड यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है। बहुत कुछ आ रहा है मेरे लाइफ में, होने वाला है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे आगे। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, लव यू।